विदिशा में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया आम लोगों जैसा व्यवहार करने का प्रयास करते नजर आए। सिंधिया कुछ व्यापारियों से मिले, उनसे बातचीत की और बाजार में कुछ दुकानों में जाकर भी बैठे। ग्वालियर रियासत से जुड़े कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया विदिशा के बाजार में आम दिखने का प्रयास करते नजर आए। विदिशा में उन्होंने व्यापारियों से चर्चा की और कई सामानों की कीमत जानी। सिंधिया ने पहले के रेट और वर्तमान कीमतों पर व्यापारियों से तुलनात्मक चर्चा कर यह जानने की कोशिश की कि महंगाई कितनी बढ़ी है और इससे लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिंधिया एक किराने की दुकान और एक जनरल स्टोर में पहुंचे। यहां दुकानदारों से सिंधिया को टॉफी खिलाई, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने व्यापारियों की समस्याओं को समझने की कोशिश की। सिंधिया ने कुछ सामानों को नजदीक से देखकर उनकी एमआरपी को भी देखा। सिंधिया गुना से चुनाव हारने के बाद से अपने बिहेव में काफी बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं और ये अब उनकी कार्यप्रणाली में भी नजर आने लगा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।